नहीं, सबसे लास्ट में यहाँ पर आते हैं। ये बेस्ट प्लेस है वैसे, अगर यहाँ पर फोटो शूट करवाना है। ये रास्ते जा रहे हैं केदारनाथ जैसे, वे हम खा रहे हैं पान वाली टॉफी। चलोगे तो आप चलो बताओ आज। वैसे रेडी दोस्त दोस्त भी चल रहे हैं आज। तो कितनी पास नदी वहाँ से रास्ता पूछ तो रही। हम चलते हैं नीचे मंदिर की साइड। ये रहा भैरव बाबा मंदिर, आपको लेके चलता हूँ। यानी सबसे लास्ट में यहाँ पर आते हैं भैरव बाबा मंदिर। हाँ, वैसे मैं आ जाओ ऊपर आ जाओ इधर। नहीं अब चलते हैं यहाँ से वापस ही नीचे की तरफ। यहाँ पर गाड़ी आती है नहीं, रोड है इधर, नीचे खिंचाई हो रही है जरा। चलते हैं मम्मी के पास। अभी बताओ धूप आ रही थी इतनी और अब गई, और वैसे ही मौसम हो गया। तो वही आगे मंदिर से बाहर, और अब चलते हैं मम्मी के पास। ये इधर मैं कितना घूम लिया इधर। अपने जोड़ीदार को काट कूट के आ गए। देखो सबास कालो भाई, अब भावना मंदिर से अब निकलते हैं घर की तरफ। ट्रैकिंग हमारी खत्म हुई है बस ऊपर आके, बट अभी नीचे भी हमको जाना है। चढ़ाई कितनी खड़ी है भाई, बारिश थोड़ी ना आ रही है, धूप लग रही है। अच्छा धूप लग रही है, अरे धूप जिसको लग रही है आ जाओ बेटा। हाँ वैसे यार धूप का असर ये होता है, देखो कितना डल पड़ गया, टेंस डेंस होगी पूरी स्किन यार। तक तू ही रख यार, गाँव में आके कौन धूप में ना रहे यार। मैं रहता हूँ गाँव में आके धूप में। ये देखो कालू हार नहीं मानती। अच्छा कालू चल, देखो अभी नहीं जाएगी बिल्कुल जब तक मैं आगे ना जाऊँ। अभी देखना, ये देखो अब आने लग जाएगी, ये देखो अब आने लग गई। और इधर का सीन देखो, ओए 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 ओए, क्या नहीं उठाया, किसका कब करा, किसने करा कुछ भी। कैसा लग रहा है यहाँ का सीन बताओ। अब तो पूरा पूरा ट्रैक हमने ऊपर का कर ही लिया, और मंदिर का भी आपको पूरा दिखा दिया, भवना देवी मंदिर का। बस मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इधर आओ, आपको मरचूला का वे से आप इधर भैरनखाल की साइड आ सकते हो। ये वाला वे बहुत ही अच्छा है। और हाँ एक चीज़ ये भी है कि जो ट्रैक नहीं कर सकता, जैसे जिसकी ना एज ज़्यादा है या फिर जो नहीं ट्रैक कर पाता ज़्यादा, तो आराम से गाड़ी से भी यहाँ पर आ सकता है। तो गाड़ी का ट्रैक भी पीछे था जहाँ पर मम्मी खड़ी हुई थी, तो ऐसे आप सब आ सकते हो। बादल अभी भी देखो उड़े जा रहे हैं। अब साफ दिखने लग गया, तब से साफ नहीं दिख रहा है। और उधर देखो छाया, और उधर की साइड धूप आ रही है। वाह वो देखो कालू को देखो, थक गया वहाँ पर। मम्मी कह रही पानी पिलाती हूँ उसको, देख लो मैं बिस्किट वगैरह हूँ उसको खिला दो। कल बताओ नदी में हमारे साथ गया है, नदी में भी हमारे साथ गया, यहाँ पर भी आया है, थकेगी वो। आपने रस भी खिलाया मिस कहें, हाँ वही रस खिला रखा है इसको, खा गई टॉफी। आज दूसरे तक चलेंगे, रात पानी सही है देखो नदी में। हाँ वो देखो ये बताओ, अच्छा हाँ साफ पानी, ये साफ पानी आ रहा है, ये कह रहा है आज दूसरे रास्ते चलेंगे, आज जहाँ जाएंगे वहीं सीधे। तू पहले ये बता वो कोटा है या फिर चामी है, कौन सा वो घर है जो। हाँ नीचे बता पहले, वो नहीं है कोटा चामी नहीं है ना, वो उस तरफ है।
नाम नहीं पता देखो वहाँ का, वो सबसे नीचे जो भवन के रास्ते है ना, वो गाँव गाँव उसी के नीचे यार कदीरा। और वो जो तू चलोगे तो आप चलो बताओ आज, वैसे रेडी दोस्तों भी चल रहे हैं आज अभी, वही मुझे तो लग रहा है मनाली मम्मी मानेंगे यार, वो चांसेस कम लग रहे हैं वैसे दोस्तों जरा गांव के भी है ना जरा चलेंगे कल, आ जा चल आ जा। तो हो इधर भी आई गई तो वहाँ पर पूरी छाया है, मतलब नदी में चलने के लिए हैं तो हम चारों बताओ इसी रास्ते ही चलेंगे, पर वहीं पहुँचेंगे सीधा, वो देखो वो रोड वहाँ खत्म है, उधर कितनी पास है नदी वहाँ से, तो रास्ते में पूछता जाएगी एक बार मम्मी से तो ला ना फिर, क्योंकि कल हो के आए यार, कल कहाँ हो गया यार, कल बारिश चली गई आज भी कम है, पर पूछ ले एक बार यार रौनक, तेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए आपको, हाँ मेरे को भी और तेको भी तेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मैं रखूँगा नहीं खानी चाहिए, देखा नहीं खानी चाहिए, जब गिर गया नीचे खानी नहीं चाहिए, पर रास्ते में से चल रहे हो तब खाओ, खौफनाक डकैत खाना खा के गधे से चल जाएं, गधे रे तुझे पता है बारिश हो रही है आजकल, अरे नहाने लायक आज हो रहा है सही, देखो वो वहाँ जाएंगे नीचे वाला रास्ता जाएंगे और उधर से नीचे है ना, कल पापा मना कर रहे थे, पापा कहते हैं आजकल बरसात हो रही है ना, पानी एकदम बहाव से आ रहा है, मुझे पता था एक आदमी ले लूँगा, चल तो बाद में जरा जरा ले लो बाबा बोल दीजिए, इट्स माय लाइफ इट्स नाउ और नेवर बट आई एम गोना ली, नमकीन थोड़ा ना खाएगा नमकीन खा रहा है, देखो चटोरा बन रहा है हर तो बाद में, ये लो भैया ये भी खाने लग गया, वो अभी खत्म होता उसी टाइम अपनी जेब में डाल दो, अच्छा लग रहा है खाते रहना, खाते आ जाओ, मतलब मैं बस दो ले रहा हूँ, रख लो जेब में, तू जा रहा है ना, बस हो गया रख ले, बहुत सारी हो जाएंगी, ये रास्ते जा रहे हैं केदारनाथ जैसे, जैसे केदारनाथ में ट्रैकिंग, अभी हम खा रहे हैं पान वाली टॉफी, मस्त लग रही है यार, बहुत पहले खाते थे बचपन में, अच्छा इसके बच्चे होने वाले हैं क्या, कहाँ से लग रही है, लग रही है तीन, अच्छा दो तीन महीने, तो देखते हैं इसके कितने बच्चे होते हैं अपनी कालू के, तो कितने महीने में देते हैं, अभी फाइनली पहुंच गए हम अपने गांव में, ऊपर की साइड है बस अभी अपन, फिर अभी थोड़े दिन में पहुंच जाएंगे नीचे अपने गांव, तो वही यहाँ की आवाज़ सुनाओ जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, फिर ये खड़ी चढ़ाई है देखो जैसे जा रही दीदी यहाँ से, वही ये बेस्ट प्लेस है वैसे, अगर यहाँ पर फोटोशूट करवाना है, हमने वैसे फ़ोटोशूट करवा लिए थे और अच्छा व्यू आ रहा था और बारिश भी आने लगी है, तो इसलिए मेरे को लग रहा है यहाँ से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, सीधा अब जाऊंगा घर, सो भाई फाइनली हम पहुंच गए घर की तरफ, और आज की ट्रैकिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और भोना देवी मंदिर ज़रूर आना, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि चार भी हैं शिवाय मंदिरों के, ठीक है, तो आपको वहां पर आपको पता चलेगा, चाहे आप पंडित जी से भी बात कर सकते होंगे, तो अगर आपके ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें, और आप सब भी खुश रहें, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और जाता हूँ सीधा घर में, येरा घर यहाँ का, ठीक है, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।